दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना मिलना एक तरफ, और बीच में मैं जो सारी चीजों को इग्नोर कर बिना कुछ सोचे समझे चल देता हूँ अमित भैया के घर, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ। और मैं अमित भैया के घर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ अपने प्यारे दोस्त ठेस बुद्धि को साथ लेके जाऊंगा। वाह क्या मुस्कुराहट है जैसे। तो आओ यार अब चलते हैं अमित भैया के घर। ओए ओए तू कैसे लिया छोड़ कर ऐसे कम पकड़ कर है। तो फिर जल्दी से मैं इसे अपनी बैग की चाबी थमाता हूँ और हम निकल ही रहे होते हैं कि ठेस बुद्धि के दादाजी एंट्री मार देते हैं। राम राम ताऊ और हमसे कहते हैं कि मुझे रास्ते में उतार देना। तो सबसे पहले हम ठेस बुद्धि के दादाजी को रास्ते में उतारते हैं और हम दोनों निकल जाते हैं अमितिया के घर के लिए। तो दोस्तों हम हमेशा की तरह अमितिया के घर आ चुके हैं और अमितिया भी हमेशा की तरह सो ही रहे हैं। वाह वाह लैपटॉप खुला हुआ है, इसमें गाना कौन सा चल रहा है, नैना दा क्या कसूर वे कसूर, और कानों में लगी है इनके ये ईयरफोन, और ये भैया हमारे जग चुके हैं। हटो भैया। तो भैया आप इतना क्यों सोते हो? हे भ्राता हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप इतना क्यों सोते हो? मैं देखिए इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, सोना इज सोना जो सबको पसंद है, मतलब कि गोल्ड जो कि सिल्वर से बहुत ज़्यादा महंगा होता है लेकिन डायमंड से सस्ता होता है, और डायमंड की बात करें तो कोहिनूर जिसका कोई मुकाबला नहीं, और हमारा ठेस बुद्धि कोहिनूर सा नहीं, तो ठेस बुद्धि इज नॉट कोहिनूर। सोना सोना इसके कान में है लेकिन चांदी इसके बस की नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये मुझको नहीं पता लेकिन ये नींद के नशे है। कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों मुझे घर जाने से पहले एक काम मिला है, मतलब मेरे पापा जी ने ही मुझसे बोला था, तो पहले वो काम करते हैं फिर चलते हैं अपने घर। पर वो काम कुछ इस प्रकार है कि अमितिया के घर के पीछे अमरूद का पेड़ लगा है, मुझे उस पैसे अमरूद लेके जाने हैं क्योंकि पायल सोमवार का व्रत है। तो बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो जाता है हमारे आसपास का एरिया, और इस वाले पपीते के पेड़ पे पपीता भी आ चुके हैं और इस पेड़ पर है अमरूद, पर मुझे कहीं अमरूद नहीं दिख रहे। ठेस बुद्धि की शक्ति बहुत खतरनाक वाली शक्ति है, तो ये ठेस बुद्धि हमें अमरूद ढूंढ के दिखाएगा। तो दिखाइए ठेस बुद्धि कहाँ पे है इस पे अमरूद? इस पे नहीं, इस पे। तो एक और पेड़ लगा है आगे, तो इस वाले पेड़ पे होंगे अमरूद। अमरूद अमरूद नहीं अमरूद, वो भाई साहब इतने बड़े बड़े टोरी जल्दी। तो दोस्तों कुछ इतने बड़े बड़े अमरूद हैं इस पेड़ पर, इस वाले पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो छोटा पेड़ है। इस वाले पे से अमरूद तोड़ते हैं और घर के लिए निकलते हैं। पहले ये देखते हैं पकाए है पका है या मतलब कच्चा है, इसका साधारण सा तरीका है नाखून गड़ा के देखना, और ये बहुत ही ज़्यादा पका अमरूद है तो इसको तोड़ लेते हैं। तो अब जल्दी जल्दी अमरूद तोड़ते हैं और घर के लिए निकलते हैं। अमरूद तोड़ने आए थे, तू तो खाने लग गया। तो मैंने थोड़े से अमरूद तोड़ लिए हैं, उसके लायक तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों ठेस बुद्धि के घर से फोन आ चुका है, ठेस बुद्धि की अब लग रहा है मार पड़ने वाली, बहुत भयंकर वाली। तो मैं लगता है ठेस बुद्धि की हड्डी टूटने वाली है, इसने कुछ कांड कर दिया घर पे, इसकी हड्डियों का चूरमा बनने वाला है, अगर कोई मिस्त्री हो तो इसकी हड्डी को जोड़ जाना। देखो देखो ठेस बुद्धि को बहुत भयंकर वाली मार पड़ने वाली है, इसके पता नहीं क्या होने वाला है कल, इसका वजन घट जाएगा, इसके पापा इसमें बहुत भयंकर मार देते हैं, किसी दिन दिखाऊंगा व्लॉग में अगर मौका मिलेगा तो। ठेस बुद्धि की शक्ल पे आप टेंशन बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। अब इधर अब देख लो ठेस बुद्धि के, अब ऐसा लग रहा है कि अभी इसके पापा यहीं पे आके इसे मार देंगे, और भैया इसको ठंडा करते हुए ठंडा हो जा। और ठेस बुद्धि बहुत टेंशन में, ठेस बुद्धि की टेंशन है पसीना आता हुआ, देखिए सिर के ऊपर भी पसीना आ गया, ये चमक रहा होगा। देखिए ठेस बुद्धि बड़ी टेंशन में, देखिए हमने इसको और पसीना दे दिया। दोस्तों ये है कांच चमकाने वाली स्प्रे, चश्मे वश्मे साफ करने के आज हम ठेस बुद्धि को चमकाएंगे। ये भी तो किसी का चांद है, पर चांद के लिए तो कुछ और आएगा। ठेस बुद्धि जहाँ से नकली आंसू ले जाता हुआ घर पे के पापा खुश हो गया था। तो जैसा कि ठेस बुद्धि को उसके घर वालों ने बुलाया है तो हम इसे विदा कर रहे हैं बहुत सजा सजू के, एक क्लिप लगा दी है तेरे मुंह ना, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब कल ठेस बुद्धि का वजन घटा हुआ मिलेगा। हम एक सेकंड चप्पल पहनेंगे, रास्ता खराब।
दोस्तों ठीक ठाक बंदे को 6000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये थक गया है, परेशान हो गया ये अपने फोन से, मतलब कि इसका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसमें बैटरी चेंज होगी, बैटरी लाइफ बिल्कुल से डेड हो गई है, और भी हल्के फुल्के काम होंगे, तो इसमें पूरा 6000 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये सर्विस लिखी आ चुकी है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ हो गई है 79, और ये बैटरी मुझे बैकअप नहीं दे रही, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक दिन में कम से कम 3-4 बार 100% करना पड़ता है, जब जाके मेरा दिन कटता है। तो दोस्तों अभी मैं घर पे जाकर तैयार होकर आता हूँ, फिर मैं और हम भैया जाएंगे फोन की सर्विस कराने, है कि नहीं भैया? तो दोस्तों ना धोकर तो मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं निकलता हूँ सीधा अमित के घर के लिए, फिर मैं अपने फोन की सर्विस कराऊंगा और फिर सीधे घर आऊंगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ अमित के घर, मतलब निकल ही रहे हैं, और ये जिंदगी में मेरी पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैया को मुझे जबरदस्ती तैयार नहीं करना पड़ा, ये खुद तैयार हो गए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सरप्राइज थैंक यू सरप्राइज को देने के लिए, जिससे कि हमारा टाइम बच गया। तो हम घर से तो निकल जाते हैं मेरे फोन की सर्विस कराने के लिए, और हम थोड़ी देर बाद आ जाते हैं एप्पल स्टोर, और एप्पल स्टोर के ऊपर ये सर्विस सेंटर। तो मैं और अमित भैया सर्विस सेंटर में आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद मेरा नंबर थोड़ा देर में आने वाला था, क्योंकि यहाँ पहले से भी और लोग थे, तो थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए मैं और अमित आपस में बात करने लग जाते हैं, और इन्हें सारी प्रॉब्लम बताने के बाद थोड़ी देर बाद मेरा फोन चेक होता है, पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो दोस्तों अभी हम सर्विस सेंटर तो आए हैं, उनके पास बैटरी स्टॉक में नहीं थी, तो वो कह रही थी कि कल तो 15 अगस्त है, परसों आना, तो परसों अगर स्टॉक में आ जाएगी तो हम सेम डे ही चेंज करके दे देंगे, वरना ऑर्डर करनी पड़ेगी बैटरी, उसके फिर 2-3 दिन बाद मेरे फोन की बैटरी चेंज होगी। तो अगर जाने से पहले मेरे अंदर एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई जन्म ले लेता है, तो उस अच्छाई की राह पर चलते हुए मैं अपने घर वालों के लिए पिज्जा लेने आ जाता हूँ। तो दोस्तों घर जाने से पहले मैं आ चुका हूँ घर वालों के लिए पिज्जा लेने, तो पिज्जा लेते हैं, ऑर्डर तो दे दिया है, मतलब हम खा भी रहे हैं, बदल लिया साला, मतलब खा लिया, ये शॉर्ट में खाने से पहले ले रहा था, मगर मैं बोल नहीं पा रहा था, तो दोबारा ले रहा हूँ। तो हमने भी पिज्जा खा लिया है, मतलब दिखाया नहीं है आप लोगों को, पर थोड़ा सा दिख गया। तो वैसे पिज्जा भी बन चुके हैं, तो अब लेते हैं और सीधे घर के लिए निकलते हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? मैंने सिर्फ इतना सा खाया था, मैंने भी इतना सा खाया था, मतलब बहुत कम पिज्जा मंगाया था हमने, ऐसे कि 50 रुपये का, 5 रुपये का, चलो ठीक है। तो हम पिज्जा लेकर घर जा ही रहे होते हैं कि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, तो अपने सब्सक्राइबर्स से मिलने के बाद मैं और अमित भैया अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और घर जाने से पहले अमित भैया के पास राखी का फोन आता है, और राखी उनसे कहती है कि लौटते समय उसके लिए 2 कॉपी लेते आए, तो राखी के लिए कॉपी लेने के बाद तो हम फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं, और घर पहुंचने के बाद मैं जो पिज्जा लाया था तो उस पिज्जा को मैं अपनी बहन के हाथ में थमा देता हूं। तो पिज्जा इनके हाथ में देने के बाद बारी बारी से सभी पिज्जा खाते हैं, बस मेरी बहन पायल को छोड़कर, क्योंकि इसका सोमवार का व्रत है। तो दोस्तों अभी मैं और अमित जा रहे हैं जिम, क्योंकि पंकज भैया है नहीं, वो गए हरिद्वार, तो अभी मैं और भैया जा रहे हैं जिम। चलो भैया गाड़ी से जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग जिम पहुंचते हैं, यहाँ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, और आज जिम में हूँ भैया नहीं आए होते, तो हम लोग आज का वार्म अप अपनी स्टाइल में करते हैं, यानी कि सस्ती रेसलिंग कह सकते हो। तो इस महायुद्ध के स्टार्ट होने के बाद हम दोनों ही पूरी कोशिश करते हैं जीतने की, पर पहला राउंड में हार जाता हूँ। तो जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, इस बार मैं पूरी जान लगा देता हूँ इस युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी पहली हार का बदला लेना था। तो ये वाला युद्ध थोड़ी देर तक चलता है, और जैसा मैं सोच के बैठा था कि मुझे जीतना है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। तो ये लड़ाइयाँ खत्म करने के बाद हम सीरियस होकर अपनी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो जैसा कि आज हु भैया नहीं आए, तो आज की हमारी एक्सरसाइज ये भैया करा रहे हैं। तो जिम में थोड़ी देर मेहनत करने के बाद हमारी मजदूरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज तो कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं अपने घर। और घर आने के बाद मैं ज्यादा कुछ तो नहीं करता, बस आराम से सो जाता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते किसी और मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।